ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बोल। होसैना गाओ होसैना, ये वचन है सुपर बोल। ओके, अब तक का बेस्ट पिज्जा। ओह आसान है, पिछली गर्मियों में स्केटबोर्ड पार्क की कैंटीन में पेपरोनी पाइनएप्पल पिज्जा मैंने अकेले ही पूरा खाया था। बेस्ट फुटबॉल गेम, इस सीजन का दूसरा मैच, 4 सेकंड्स बाकी और ये मेरी बेहतरीन चाल। गो! सबसे अच्छा कार्ड ट्रिक तैयार। मुझे चाहिए बस 14 और कार्ड के सेट, 30 किलो पंख और एक ऑस्ट्रिच का अंडा। गिज़्मो, यहाँ इनमें से कोई भी चीज नहीं है। तो ठीक है, फिर सेकंड बेस्ट कार्ड ट्रिक। अरे नहीं, यहाँ तो बड़े केले और लाल पत्थर भी नहीं है, नहीं हो सकता। ओ, सर्वोत्तम सुपरबुक का सफर जिसमें सचमुच का राक्षस था। दाऊद और गोलियत, अब तक का सर्वोत्तम सुपरबुक का सफर जिसमें आग की तलवारें थी। वाओ, काश मेरे पास ऑस्ट्रिच का अंडा होता। मुझे पता है, स्वर्ग में मिखाइल और लूसिफर की जंग। मुझे पता है, सुपरबुक का अब तक का सर्वोत्तम सफर। उसमें क्या था? कुछ नहीं, सुपरबुक का अब तक का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण साहसिक कार्य। तुम्हारे ख्याल से क्या था? वाओ जॉय, क्या तुम्हें लगता है कि अब तक के सुपरबुक के साथ के सफर में क्या हमने सबसे जरूरी साहसिक कार्यों में हिस्सा लिया है? सुपरबुक के साथ सबसे साहसिक कार्य का सफर शायद अब तक नहीं। सुपरबुक, ऐसी चीजें दिखाने ले जा रहा हूं कि अगर तुम सारे इतिहास में परमेश्वर के पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से लेकर अब तक और स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक भी ढूंढोगे, तो तुम जान जाओगे कि ऐसी महान बातें न कभी देखी गई हैं और न ही कभी सुनी गई हैं। मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम मिद्यान लोगों की भूमि पर हैं और साल है। अरे अरे, देखें तो यहाँ क्या है। क्या आप ऐसे यात्री हैं जो रास्ता भूल गए हैं? हम रास्ता तो नहीं भूले हैं, मेरी प्रोग्रामिंग हुई है। मेरा मतलब, मैं ये कह रहा था कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बढ़िया घास है और यहाँ पर और यहाँ पर और देखिए, मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ के नहीं है। मेरा नाम है क्रिस, ये है जॉय और गिज़्मो। मैं हूँ मूसा, और माफ करना, मुझे जल्दी से उन भेड़ों को वापस अपने झुंड में लाना होगा। हम आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया बच्चों। ये सच में बहुत अद्भुत देश है। क्या आप यह बहुत सालों से हो मूसा? मैं मिद्यान में बहुत सालों से रह रहा हूँ। ओह, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? मैं रहता था मिस्र में, जहाँ मेरी परवरिश फिरौन के पुत्र जैसी हुई थी। रुकिए, फिरौन यानी कि मिस्र का राजा फिरौन? हाँ, पर वो समय था पुराने फिरौन के शासन का। हालांकि मुझे एक मिस्री जैसे पाला गया, पर मैं जन्म से इब्री हूँ। एक बार मैंने एक मिस्री जल्लाद को एक गुलाम को मारते हुए देखा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने हाथापाई की और मैंने उसे मार डाला। वो एक अलग जीवन था। मिद्यान में मुझे आसरा मिला और कई सालों से मैं यहाँ अपने परिवार और अपनी भेड़ बकरियों के साथ खुशी से रह रहा हूँ। और वो सब गुलाम मुक्त हो गए हैं ना?
अफसोस नहीं, मेरे लोग अभी भी बंधन में पिस रहे हैं। अब वो पहले से ज्यादा क्रूर दूसरे फिरौन की सेवा कर रहे हैं। मूसा, देखो मूसा, मूसा, मैं यहां हूं। इस जगह के और करीब मत आना, अपनी जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा एक पौधे से बात कर रहे हैं। देखो, पौधे को आग लगी है पर फिर भी वो जल नहीं रहा है। मैंने अपनी प्रजा जो मिस्र में गुलामी में है उसके दुख को निश्चित देखा है, और जिस तरह की ज्यादती उनके साथ हुई है उस कारण मदद के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। मुझे उन पर रहम आया है। अभी जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूँ। तुम्हें मेरी प्रजा इसराइल को मिस्र से बाहर लाना होगा। पर मैं कौन हूँ जो राजा के पास जाऊं और आपकी प्रजा को मिस्र से बाहर ले आऊं? फिरौन एक कठोर राजा और अधर्मी व्यक्ति है, वो मेरी क्यों सुनेगा? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम जानोगे कि मैंने तुम्हें भेजा है जब तुम मेरी उपासना इस पर्वत पर करोगे, जब तुम मेरी प्रजा को मिस्र देश से बाहर लेकर आओगे। पर वो मेरा विश्वास ना करें या मेरी बात ना सुने तो? अगर वो ये कहें कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिए। तेरे हाथ में वो क्या है? एक चरवाहे की लाठी। उसे भूमि पर डाल दे। क्या तुमने वो देखा? मैं मूसा से कहूंगा कि वो मुझे ये कला सिखा दे। हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले। प्रभु, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, ना तो पहले था और ना ही अब हूं। हालांकि आपने मुझसे बात करी है, लेकिन मुझे बोलने में बाधा आती है और मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं। मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य बोले या गूंगा हो, सुनने वाला या बहरा, देखने वाला या अंधा, कौन तय करता है? क्या मैं नहीं करता जो प्रभु हूं? अब जा, जब तू बोलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बोलने के लिए शब्द देता रहूंगा। मूसा, मूसा, हारून मेरे भाई। तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई। एक बहुत ही अद्भुत बात हो गई है। प्रभु ने मुझसे बात की, उन्होंने कहा मैं आपसे आकर मिलूं। परमेश्वर ने मुझे मिस्र जाके अपने लोगों को मुक्त कराने की आज्ञा दी है। मैं डरता हूं कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे कहा है। हमारे शक्तिशाली और महान फिरौन दो चरवाहे आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो इब्री गुलामों के प्रतिनिधि हैं। क्या मैं उन्हें रफा दफा कर दूं? हाँ, ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा। भेज दो अंदर। फिरौन मिलेंगे तुमसे। कृपा करके सिंहासन कक्ष में अपने पैरों का कीचड़ मत छोड़ना। सामर्थ्यशाली और महान फिरौन। अरे बोल भी कीड़े। ओ शक्तिशाली फिरौन, इज़राइल के यहोवा परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में जाकर मेरे लिए आराधना करें। कौन है ये यहोवा और फिर मैं उसका वचन क्यों मानूं?
मैं नहीं जानता यहोवा को और मैं नहीं जाने दूंगा इसराइलियों को। मेरे ख्याल से उसने मना कर दिया। निकाल बाहर कर दो इन्हें मेरी नजर के सामने से, ताकि ये दावत मना सके। ओ चरवाहो, फिरौन चाहते हैं कि आप उनका संदेश उनके इब्री दोस्तों तक ले जाएं। आपकी धृष्टता के कारण वो गुलामों के काम का बोझ बढ़ा रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। क्यों, क्यों आपने आपकी प्रजा पर ये सब संकट लाए हैं प्रभु? क्यों भेजा आपने मुझे? अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा। मेरी महान शक्ति के कारण फिरौन मेरे लोगों को जाने देगा और तू और वो उन्हें अपने देश से निकाल बाहर करेगा। फिर से हम विनती करते हैं हे शक्तिशाली फिरौन, प्रभु के नाम में मुक्त कर दो इज़राइल के लोगों को उनकी गुलामी से। और फिर से मैं कहता हूँ नहीं। और तुम इस अपने परमेश्वर से कह दो जो इतनी ऊंची मांग कर रहा है कि मेरे राज्य में उसका कोई अधिकार नहीं है। तो देख लो। शायद मुझे मेरे जादुई कार्ड खेल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात जबरदस्त। जादूगरों, मेरे दरबारी जादूगर वो कर सकते हैं जो तुम्हारे परमेश्वर ने किया। वो इससे पहले कभी एक सांप को दूसरे सांप को निकलते नहीं देखा। निकल जाओ और तुम्हारे लोगों से कहो मैं उन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। फिरौन, इब्री लोगों के प्रभु और परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हें बताने के लिए, मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वो जंगल में मेरी आराधना कर सके। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मूसा, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लेना वरना तुम्हें और तुम्हारे इजरायली दरिंदों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर पानी को बदल जाने दो खून में। आज मैं महल में ही नहाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? प्रभु कहता है मेरी प्रजा को जाने दो ताकि वो मेरी सेवा करें। कभी नहीं। तो फिर मिस्र को और महामारी का सामना करना पड़ेगा। मेंढक जूल, मक्खियां, पशु रोग, फोड़े, ओले, टिड्डियां, नहीं नहीं नहीं। ओ सर्व सामर्थ्यशाली राव, सार्वकालिक सूर्य देव,
इन चरवाहों के परमेश्वर के दंड से हमारा रक्षण करो। ठीक है, रा को अच्छी सीख मिली। ये बेहतर है। ओ, हेलो। मैं और एक संकट लाऊंगा फिरौन और मिस्र पर। प्रभु मिस्र से गुजरेंगे और देश के सभी पहले बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन इज़राइल का हर एक घर अपने दरवाजे पर मेमने के लहू के रूप में एक चिन्ह लगाएगा और परमेश्वर मेमने के लहू को देखेंगे और उन घरों को छोड़ आगे जाएंगे। यहां तक कि फिरौन का ज्येष्ठ पुत्र भी मरेगा। नहीं, निकल जाओ, मेरे लोगों को छोड़ो और सारे इसराइली लोगों को लेकर चले जाओ। मैंने इतने सारे लोग कभी नहीं देखे। ये तो 10 लाख से भी ज्यादा इसराइली गुलाम होंगे। अब हम गुलाम नहीं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और मूसा को। वो हमें नए जीवन में ले जाएंगे। शक्तिशाली महापुरुष, आपने इसराइलियों को क्यों जाने दिया? गुलामों को फिरौन को आज्ञा नहीं देनी चाहिए, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सेनापति, सेना को इकट्ठा करो, मिस्र के सब रथों को तैयार करो। इन गंदे इसराइलियों को हम रौंद डालेंगे और इस बार कोई भी नहीं बचेगा। हम परमेश्वर के पहाड़ तक कैसे पहुँचेंगे? हमारे रास्ते में तो लाल समुद्र है। मूसा जानते हैं कि वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं। पहुँचने का तरीका उन्हें जरूर मालूम होगा। मूसा, फिरौन अपनी सेना के साथ आ रहा है। विश्वास रखो, प्रभु के पास योजना है। आपको तो योजना का पता होना चाहिए, है ना मूसा? नहीं, अब तक तो नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमें रास्ता दिखाएंगे। देखो, बढ़ते रहो, हमें उन्हें लाल समंदर के पास फंसाना है। मूसा, तू क्यों मुझसे शिकायत कर रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और समुद्र दो हिस्सों में बंट जाएगा।
नाम में ये क्या है? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? उनका पीछा करो! एक भी इसराइली को बख्शना नहीं है। क्या सब इसराइली आ गए? मैं आशा तो करती हूँ, क्योंकि फिरौन की सेना आ गई है। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इसराइली लोगों को मुक्त करने परमेश्वर एक सामान्य चरवाहे को चुनेंगे। क्रिस, देखो हो रहा है, हम वापस जा रहे हैं। वो तो कमाल था। अब तक का सर्वश्रेष्ठ रोमांचकारी सुपरबग साहसिक कार्य है ना? सचमुच। पर क्या तुम्हें पता है, फिर भी सबसे अच्छा साहसिक कार्य था राक्षस के साथ और दूसरा आग की तलवारों वाला। हाँ, तो इसका मतलब है कि और भी साहसिक कार्य होंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ओ, क्या मैंने ये कहा? हमें सुपरबुक को हमें नए साहसिक कार्यों पर ले जाने के लिए कहना चाहिए। सुपरबुक, आप कहाँ हैं? कहाँ चले जाते हैं सुपरबुक? जब आना चाहते हैं तो ही आते हैं। सुपरबुक जीवन।